दोस्तों, वाटर हीटर का यूज़ अधिकतर घरों में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इस वाटर हीटर यानी गीज़र को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन गीज़र को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, गीज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मेन पार्ट यानी आउटर बॉडी को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए मेटल शीट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इस मेटल शीट को रोलिंग मशीन से गुजार कर इसे सिलेंडर का शेप दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में अब वाटर टैंक को बनाया जाता है, जिसमें गर्म पानी इकट्ठा होता है, जिसके लिए एक गोल प्लेट को हाइड्रोलिक द्वारा पंच किया जाता है, जिससे आधे कटोरे नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आगे इन दो कटोरों को आपस में वेल्ड करके वाटर टैंक तैयार कर लिया जाता है। अब अगली प्रोसेसिंग में इस वाटर टैंक के लीकेज की जांच की जाती है, जिसे हाई वाटर प्रेशर टेक्नोलॉजी द्वारा जांचा जाता है। अगली प्रोसेस में इन टैंक्स को शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस द्वारा गुजारा जाता है, जिससे इस टैंक में उपस्थित सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस के बाद इसमें ड्राई कोटिंग की जाती है, जिससे यह गीजर अधिक सालों तक चल सके, यानी इसकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। अब इन वाटर टैंक्स को 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ताकि इसमें उपस्थित वाटर कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाए। अगली प्रोसेस में इन वाटर टैंक्स की कोटिंग को सुखाने के लिए लगभग इन्हें 48 ओवर तक ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन टैंक्स को आउटर बॉडी के साथ अटैच करके इसमें हीटिंग एलिमेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोलर और इनलेट व आउटलेट पाइप को भी असेंबल किया जाता है। इसी के साथ टैंक और आउटर बॉडी के बीच इंसुलेटर एजेंट को भी लगाया जाता है, जिससे इसकी हीट बाहर नहीं आती है और पानी ज्यादा देर तक गर्म रहता है। अब आगे इस वाटर टैंक की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन वाटर हीटर को पैक कर सेलिंग के लिए फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। हैंड ग्लव्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हॉस्पिटल में जर्म्स और बैक्टीरिया से बचने के लिए तथा पोस्टमार्टम करने में ज्यादातर रबर ग्लव्स का यूज किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया से सुरक्षित हो सके। तो चलिए, आज हम आपको दिखा देते हैं किस तरह फैक्ट्री में इस हैंड ग्लव्स को बनाया जाता है। सबसे पहले एक एल्यूमिनियम और सिरेमिक से बने हाथ जैसे मोल्ड को स्वच्छ पानी से धोया जाता है। आगे इस मोल्ड को रबर के व्हाइट वाले लेटेक्स से गुजारा जाता है, जिससे यह लेटेक्स का पेस्ट इसके ऊपर चिपक जाता है। अब यह हाथ कुछ इस तरह से घूमते हैं, जिससे इसके ऊपर उपस्थित एक्स्ट्रा लिक्विड नीचे गिर जाए। अब इन सिरेमिक हैंड को एक हीट मशीन से गुजारा जाता है, जो इन्हें सुखा देती है। इस प्रोसेस के बाद कुछ वर्कर्स इन मोल्ड्स हैंड से इन ग्लव्स को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, इन ग्लव्स को सिंथेटिक लेटेक्स से बनाया जाता है, जिससे एलर्जी जैसी कौन सी भी बीमारी का खतरा नहीं होता है। अब इन ग्लव्स में हवा और पानी भरकर इनकी अच्छी तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। आगे इन रबर ग्लव्स को सीलिंग लाइन में पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। चॉकलेट कॉइन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने इस कॉइन जैसे आकार की कैंडी को तो जरूर खाया होगा, जो कि स्पेशल चॉकलेट से बनी होती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इस सिक्के वाली चॉकलेट को बनाया जाता है।
सबसे पहले एक चॉकलेट कंटेनर में चॉकलेट बार्स को डालकर उनके लिक्विड को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आगे इस चॉकलेट के लिक्विड को एक कन्वेयर बेल्ट पर चौड़ी शीट के रूप में फैलाया जाता है। अब इस चॉकलेट को सूखने के लिए कुछ देर तक ऐसे ही रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक राउंड कटर मशीन इस शीट से कॉइन के आकार के चॉकलेट पीसेस को काट लेती है, जिन्हें कुछ इस प्रकार एक के ऊपर एक इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इस बची हुई चॉकलेट को पुनः रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिससे और चॉकलेट कॉइंस बना सके। अब इस चॉकलेट के पीसेस पर गोल्ड जैसे कलर की पन्नी या फिर एल्यूमिनियम की पन्नी दोनों को अच्छी तरीके से प्रेसिंग मशीन द्वारा लगा दिया जाता है। अब ये चॉकलेट कॉइंस एकदम बनकर रेडी हैं, जिन्हें बाद में पैक कर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर पिज़्ज़ा को बड़े शहरों में खाया जाता है, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े तौर पर ही की जाती है। जनरली टाइप से पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक लार्ज मिक्सर में मैदा, नमक, शक्कर, यीस्ट और पानी तथा कुछ मात्रा में ऑयल को मिलाकर इसका एक भुरभुरा सा आटा तैयार किया जाता है, जिसे लगभग 4 मिनट तक मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस आटे को एक कंटेनर में लेकर लगभग आधे घंटे तक घुलने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस आटे को एक चकिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे छोटे छोटे पीस में काट देती हैं। इसके बाद इसे पुनः एक शीटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे चपटी शीट यानी पट्टी के रूप में चौड़ा कर देती हैं। इसी के साथ एक मशीन ऊपर से सूखे मैदे को इस शीट के ऊपर डालती है। अब एक रोलर मशीन इस आटे को पिज्जा का शेप दे देती है। यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट इन्हें एक ओवन मशीन में ले जाता है, जहाँ इन्हें अच्छी तरीके से पकाया जाता है। अब एक ऑटो सॉस मशीन इन पर सॉस की एक पतली परत चढ़ा देती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन पिज्जा पर मोजरेला चीज के छोटे छोटे गोल शेप वाले परत को रखा जाता है। अब इन्हें एक फ्रीजर मशीन से गुजारा जाता है। इसके बाद एक ओवर रैपिंग मशीन इस पर प्लास्टिक की एक लेयर को चढ़ा देती है। क्वालिटी चेकिंग के बाद इन्हें पैकिंग करके शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस प्रकार से फैक्ट्री में पिज़्ज़ा को बनाया जाता है।